अमेरिका में राहुल गांधी के दिए एक बयान पर सियासी संग्राम मचा हुआ है, घमासान मच गया है। राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास में देवी देवता को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी ने कहा था कि जो पारदर्शी है वही देवता है। बीजेपी ने कहा कि देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। Or do you know what devta means in the term devta? Do you know what it means? No. What? No, it doesn't mean God. No, it doesn't mean the deity. So devta in India actually means a person whose internal feelings are exactly the same as his external expression. Meaning he's a completely transparent being. Right? It does not mean God. So if this person tells me every single thing that he believes or he thinks, and he tells it to me, that's the definition of devta. Right? It's the idea that you destroy yourself. Right? So to me, that is interesting about our politics. How do you suppress your own ideas, right? How do you suppress your own fear, or how do you suppress your own greed, or how do you suppress your own ambition and absorb other people's fear, other people's ambition? तो आपने राहुल गांधी का पूरा बयान सुना जो उन्होंने अमेरिका में दिया। अब राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का, बीजेपी नेता का, जवाब सामने आया है। राहुल को जनता ने तीसरी बार नकार दिया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। राहुल विदेश में जाकर भारत को गाली देते हैं, लगता है ये चीन के पैसे पर पलते हैं। राहुल गांधी जो युवराज हैं और तीसरी बार भी कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की जनता ने नकार दी, 99 पे आके अटका दिया, और ये दुनिया में जाकर के जो भारत आज मेक इन इंडिया के रूप में, जो भारत इनके कार्यकाल में डिफेंस इंपोर्ट होता था वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भारत जो देश में 19 लाख करोड़ का इंपोर्ट था वो आज 80 लाख करोड़ पे पहुंच गया, वो भारत की तारीफ करने के बजाय बाहर में जाकर के, इंडिया के बाहर, भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं और चाइना की ही बात ब्रांडिंग करने के लिए ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं।